ऑल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। नोएडा के सेक्टर 63 चोटपुर कॉलोनी में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। वही चोटपुर कॉलोनी जहां पर कल बहुत भीषण आग लगी थी, और इसीलिए कल भी न्यूज ऑल इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी जब ये भीषण आग लगी थी। इसीलिए एक बार फिर आज हम आए हैं स्थिति देखने के लिए कि क्या स्थिति है 24 घंटे के बाद। लेकिन देखिए, 24 घंटे के बाद भी स्थिति जो है वो खतरनाक बनी हुई है, वो बेहद गंभीर बनी हुई है, क्योंकि नजारा यहाँ का देखेंगे तो आग जो है, मैं कैमरामैन से इधर कहना चाहूंगी, पहले इधर की तस्वीर दिखाएं। देखिए, आग जो है वो अभी भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कल से यहां पर लगातार मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ही भीषण आग लगी थी यहां पर। झुग्गी झोपड़ियां यहां पर थी, वो लोग यहां पर रहते हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, और इनके झुग्गियों में ही आग लगी थी और बहुत ज्यादा नुकसान इन सबका हुआ है। देखिए, चारों तरफ की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगी, झुग्गियों में आग लगी। अब इनके पास रहने सहने की व्यवस्था जो है वो नहीं नजर आ रही है। देखिए, कुछ ऐसी ही झुग्गियां थी, इधर कहना चाहूंगी कैमरा पर्सन को वो दिखाएं, कुछ ऐसी ही झुग्गियां थी जिसमें ये लोग रह रहे थे। हालांकि देखिए, ये झुग्गियां बच गई, भगवान के शुक्र है कि ये वाले इनके घर जो है वो बच गए। लेकिन अब देखिए स्थिति देखिए कि सिर्फ और सिर्फ इनका घर में झुग्गियों में जो भी सामान था वही मौजूद है। बोतल है, किताबें हैं, अखबार हैं, सब कुछ जलकर जो है वो राख हो गया है। और देखिए, रहने सहने की व्यवस्था अब नहीं है, इसीलिए ये लोग मजबूर हैं कि कहीं छाए में बैठे हैं, चारों और जो है कपड़ा डालकर ये लोग बैठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके जो झुग्गियां थी वो इनका घर था वो अब इनके पास नहीं बचा है। कल सब कुछ जिस तरह से भीषण आग थी वो सब कुछ जलकर राख हो गया। देखिए, उधर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, वहां पे देखिए किस तरह से ये लोग मौजूद हैं। फिर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे इनके हैं, छाता लगाए, क्योंकि देखिए बेहद भीषण गर्मी भी इस समय है। और देखिए, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर छाता लगाकर ये लोग सिर्फ यही जगह ढूंढ रहे हैं कि कहां पर ये लोग जाएं, कहां पर ये लोग जो हैं अपना घर बसाएं, क्योंकि देखिए अब जिन झुग्गियों में ये लोग रह रहे थे वो झुग्गी जो है पूरी तरह से जलकर राख हो गई है, और इनके पास ऐसे में घर नहीं है, रहने सहने की व्यवस्था नहीं है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उन परिवारों से बात करेंगे जिनके बच्चे कल इस झुग्गी में झुलस कर मर गए, उनका क्या कुछ कहना है, सरकार की तरफ से क्या उन्हें सहायता दी गई है, क्या किसी तरह का आश्वासन दिया गया, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। बुरी तरह से रह रहे हैं सर, हम सब तो काम पे था शाम को भी, सुबह के 8 बजे के काम पर, तो 12-11 बजे काम करके बैठ के खाना खा रहे थे, उसके बाद 1 बजे लंच करके खाना खा के काम कर रहे थे, उसके बाद इधर से फ़ोन किया, एक बजे के बाद फोन लग गया, कॉल लग गया हमारे पर कि आग लग गया इसी कॉलोनी में घर में, कि आ जाओ। वहाँ से कोई काम भी नहीं किया, टेम्पू धर के वहाँ से निकल पड़ा वहाँ से। अब बताइए, अब किस तरह से आप लोग रहेंगे, क्योंकि आपका जो बनाया हुआ घर था वो तो पूरी तरह जल गया, अब कैसे, कहाँ रहेंगे? अब रहेंगे कहाँ, अब जहाँ सरकार कहेगा वहाँ जाएंगे, वो सरकार की मर्जी है, जो भी सरकार कहेगा वही होगा। अब सरकार की तरफ से अभी कोई भी अधिकारी या प्रशासन की तरफ से कोई आया है आपसे बातचीत करने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सर, अभी तक कोई भी नहीं, कोई भी देखने नहीं आया, ने समझाने नहीं, अति करने कुछ बांटने भी नहीं आया, कोई का देता है कोई का लुड़ा देता है। अभी बताइए, देखिए आपकी गोद में ही आपकी बच्ची है, छोटी है बहुत, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है यहाँ पर? क्योंकि ये बच्चे को नहीं दिया है अभी तक, इसको बच्चा का कल से उगा रहे ना, कल से ही अभी उगा रहे था, अभी तक भी बोल रहे हैं, उतना बच्चा आया, बाकी कपड़ा किसी का नहीं मिला। देखिए, यहाँ आसपास के मोहल्ले में जो महिलाएं रहती हैं वो यहाँ पर आई हैं ताकि इन लोगों की मदद जो है वो ये कर सकें, इनकी खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दे सकें, कपड़े दे सकें, क्योंकि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी पूरी तरह से झुग्गी जो है जल कर राख हो गई, कपड़े हो, सामान हो, घर का हर कुछ जल कर राख हो गया। आप बताइए किस तरह से मदद कर रही हैं? मैंने कपड़ा, वही जो हमसे मदद हो पाएगी वो तो हम लोग करना ही चाह रहे हैं। कितनी भीषण आग लगी थी, क्योंकि आप यहाँ पास ही रहती हैं, कल आपने देखा होगा नज़ारा कैसा था? बहुत बुरा नज़ारा था यहाँ पे, तो दिखाई नहीं कुछ दे रही थी, इतनी भयंकर आग थी, हम लोग खुद घबरा गए थे काफ़ी। खाने पीने के लिए आप कुछ इन लोगों की व्यवस्था की है? जितनी शक्ति है उतना हम लोग का सकीला कपड़ा ले, और आग तो बहुत इतनी बुरी लग गई, हम लोग अपने अपने रूम से पास है कही सिलेंडर हम लोग खुद निकल बहुत घबराहट हो गई लहरी इन लोग के हालत देख के, हम लोग अब जितनी शक्ति है मदद मार सके। खाने पीने के लिए आप इन लोगों को क्या दे रहे हैं, कल भी दिया था या आज ही देने आए हैं? नहीं, हम लोग तो आज ही देने आए हैं, शाम के भी आए हैं। खाना बनवाई गई थी हमारे मोहल्ले से, वहाँ से बनवा के लोग ले आए थे। कब तक मदद करेंगे आप इन लोगों को?
अब हम लोग कब तक करेंगे, हम लोग भी तो कमाने वाले हैं, हम लोग भी परदेसी हैं, बाहर से आए हुए हैं, अब इनकी सरकार मदद करेगी, हम लोग कितना करेंगे मदद, हम लोग को भी तो बच्चे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं, और वो भी तस्वीर दिखाएंगे, उस घर के लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिस घर के बच्चे इस आग में जो है जल गए, पूरी तरह से झुलस के मर गए हैं, क्योंकि देखिए स्थिति यहाँ पर जो है लगातार नाजुक बनी हुई है, और इन लोगों के पास जो है खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए देखिए कभी कोई इनकी मदद कर रहा, आसपास के लोग हों वो मदद कर रहे हैं इनकी, खाने पीने के लिए इन्हें चीज़ें दे रहे हैं, कपड़े हो वो दे रहे हैं इन्हें, क्योंकि ताकि किसी भी तरह इनकी मदद जो है वो की जा सके, क्योंकि देखिए जिस तरह से भीषण आग ये लगी थी, अब भी यहाँ पर धुआं जो है वो लगातार उठता नजर आ रहा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, और उस परिवार के पास जाएंगे हम जिसके बच्चे इस आग में जलकर झुलस गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए स्थिति गंभीर बनी हुई है, अभी भी हालात जो है 24 घंटे बाद भी जो है बेकार बने हुए हैं, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि अब भी आग का धुआं लगातार उठता नजर आ रहा है, और अब भी जो है वो स्थिति बहुत ही बेकार बनी हुई है। लेकिन इनके एक शिकायत है कि प्रशासन को इन्होंने फ़ोन किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन्हें किसी बात का जवाब नहीं दिया गया, और कोई सुध लेने अभी तक नहीं आया है। आपका ही बच्चा था क्या? हमारा पड़ोसी का है जा परी बच्चा था। अच्छा, आपके पड़ोसी का था, क्या वो उसे किसी ने निकाला नहीं था क्या? अरे वो बोला उसका छोड़ जो दूसरा बच्चा की आग लग गया मम्मी, तो उसका मम्मी हम दोनों निकालने देखने के लिए तालकू झुग्गी में मेन गेटे में आग लग गया, तो हेले नहीं पाया, दूसरा बेरा नहीं पकड़े पाया बच्चा। किसी से मदद लेने की कोशिश नहीं की आपने? कोई है ये नहीं है, लेडीज खाली है, जेंट्स रोज कोई नहीं है, सब चल गया काम पर। जो यहाँ के आसपास के लोग थे उन्होंने भी नहीं मदद की आपकी? कोई है ये नहीं, तो कौन मदद करेगा, सब अपन अपन काम पर चल गया था, कैसे मदद करेगा। वो बताइए वो परिवार कहाँ है, वो औरत कहाँ है जिसका बच्चा इस आग में जल के झुलस गया था? बारात घर में है। तो देखिए स्थिति कैसी बनी हुई है, ये वो उनकी पड़ोसी है जिनका बच्चा इस आग में जो है जलकर झुलस गया था, यही वो जगह है, यही इनकी झुग्गी थी जहाँ पर जो है आग इतनी ज़्यादा लगी थी कि बच्चे, देखिए इनका साफ तौर पर ये कहना है कि महिलाएं जो है वही मौजूद थी, महिलाएं एक साथ कितने बच्चों को बचा सकती थी। देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में। आप बताइए कैसे ये पूरी आग लगी और क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर तो हम लोग सो रखे थे, मेरा कोई पता नहीं था, कोई एक आदमी आया काम पे से, हल्ला किया, हम लोग जाने सो के उठे थे, हम लोग पानी लग दौड़े भाई, पानी मारे तेजाब की तरह लग गया, फिर लगने के बाद हम लोग सोचे दौड़ धूप किए बच्चे बचाने के लिए, मेरा पैर भी चोट हो गया, मैं गिर गए और तो भैया जली गया, और मैं इसको अलावे कुछ क्या बता सकते हैं। कोशिश की थी आपने बच्चों को बचाने की है, अभी ठेवना में भी चोट लगे हुए हैं, दाग भी देख सकते हैं, बहुत जुगाड़ किए हैं, लेकिन जब हम लोग सोचे कि टप्पे आग भबक के लग गए, लेकिन कोई उपाय नहीं था, बहुत जुगाड़ किए हैं, लास्ट में लाठी भी बजाए आग पे, फिर भी कहने का मतलब। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी देर से पहुँची थी? गाड़ी करीब 2 घंटा बाद पहुँचा। आप लोगों ने बताया नहीं था क्या फोन करके? ये नहीं आया, कॉल किए नहीं आए हैं। आप बताइए क्या कहना था, क्या हुआ था, बोलो, क्या हुआ था, बताइए पूरी घटना। चलो कोई नहीं, आप बताइए। बिजली से आग लग गई जी, यहाँ पे यहाँ से लगा थे बिजली से, इसके बाद सब लोग अपने अपने बच्चे के जो लेडीज थे सब अपने अपने बच्चे को लेकर भागने लगे, और इसमें जो मरे तो 3 बच्चे के लिए भागे, और एक बड़ी लौंडिया थे छोटी से इतनी बड़ी, वो एक बहन को लेकर भागा, अब निकल पाया नहीं, ज़्यादा जोर हो गया आग तो 2 इसमें रह गया, तो दोनों इसमें मर गए। पहले नहीं पता चल पाया था कि आग लगी है? जब यहाँ एकदम डायरेक्ट इससे एकदम लगा है का एक आग दम पूरे एकदम आग इधर से लगनी शुरू हुई थी, लगे थे जी हाँ एकदम इससे बगल से लगे थे एकदम पूरे जोर लगे, और पैसे क्या निकाल पाएगा, किसी को पैसे भी 20 लाख 10 लाख किसी को 6 लाख किसी को 1 लाख किसी को 2 लाख था, सारे जल गए, कपड़े जो पहन रखे हैं वो ही बचे हैं बस। बात बताइए सरकार की तरफ से कोई अधिकारी अभी आपसे मिलने आए, प्रशासन की तरफ से कोई मदद का आश्वासन दिया गया है? आए थे एक अथी कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी आदमी आए थे, बस बात टूट के जरा मनी चला गया, कुछ ना मदद हो। आपने पूछा नहीं उनसे कि अब हम किस तरह से रहेंगे, हमारी घर रहने की व्यवस्था क्या की जाएगी? व्यवस्था करेंगे, बर्तन तर्तन करेंगे, सब कुछ कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कहे बोले। और कोई नहीं आया? नहीं आया जी,
जो आते हैं अपना बांटते खिलाते हैं बस, और कुछ नहीं। आप बताइए। DMSP यहाँ आए थे, बोला बारात घर ने, वो बोले यहाँ रहना, व्यवस्था करके चला गए। बाकी ये यहाँ पर ही मर गए हैं, जिसका संपत्ति गया तो उनको तो व्यवस्था करना चाहिए। देखिए कहा हालात में हम लोग बच्चे लेके रहे। खाने के लिए अभी तक सुबह से आपके पास कुछ आया है, कुछ मिला है? तो आते जाते रहे, हर एक पार्टी के यहाँ आ रहा है, सब आ रहा है, कोई नाश्ता सरकारी योजना सब सब आ रहा है। बाकी जे हम लोग के 25,000 रुपया इसी झुग्गी ने जल गया। देखिए मेरा मैडम खोद खोद के लोहा निकाल रहा है, 25,000 जल गया है, 2-3 लाख रुपया के माल है, उसका कोई निकास नहीं निकास रहे सरकार। सीधा आते हैं बस खाना पीना के, आप हमारे यहाँ खाना बट रहा है, खाना खा लो, पानी पी लो, इससे ना होगा भैया। अरे हम लोग अब रहेंगे कहाँ, ये बताइए रहेंगे कहाँ? बाल बच्चा के दूध में लेके देखे खड़ा है या रो रहा है, कहाँ सुताएंगे, कहाँ करेंगे? वहाँ जाते हैं तो उसने गर्मी ज़्यादा लग रहा है, करकट के छाते वो दिख रहा है, उसने रह ही नहीं पा रहा है भैया। हम लोग को मुआवजा मिल ही नहीं रहा है कि हाँ भाई कुछ करके सरकार दे, या 25,000 रुपये जल गया, 2 लाख की माल जल गया। तो भाई ऐसे सरकार को सोचना चाहिए। प्रसिद्ध जल गया मेरा, नुकसान 50,000 का माल भी जल गया, खाने उने के बर्तन था सब जल गया इसी में, कब सब सारा चल गया इसी में, बास बदले बर्तन था सब जल गया, आदमी बच गया, झुग्गी में सूतल था, किसी तो भागा निकल के तो वो भी मर जाता। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो कुछ देना चाहिए, हम लोग गरीब आदमी है, कपड़ा खाली बच रात पहने हैं, यही बच। कहना क्या चाहेंगे सरकार से, कोई गुहार लगाना चाहते हैं? हाँ कोई चीज़ अगर मदद कर दें तो कुछ और बढ़िया रहेगा, गरीब आदमी हूँ, कमाने खाए वाला आदमी हूँ। हमें देखते टाइम पर यह पहुँचा नहीं दमकल, इस कारण से सारे आग में झुलस गए हैं। दुकानें, साइकिल की दुकान था, परचून की दुकान था, सिलाई की दुकान था, और मनी ट्रांसफ़र था, कैश रुपया था, सारे जल गया। अभी तक के कोई आश्वासन नहीं आया सरकार से। हमें ये चाहते, दरख्वास्त चाहते कि हमें एक तिरपाल की भी ज़रूरत नहीं मिला, न तिरपाल से आज तक के तिरपाल हमारे को मिला, कि धूप में भी रुक सकते हैं और पाँव में चप्पल भी डाल सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। पानी तक के, खाना तक के पब्लिक अपना जिसको दया लग रहा वो देने के लिए राजी हो रहा, आज तक की कोई आश्वासन अभी तक के नहीं मिला 24 घंटा में। मैं ये कह रहा हूँ मैम, अभी यहाँ पे कोई बाहर की पार्टी वाला आदमी आ रहा है, बस खाना पूर्ति करके इन लोगों का जा रहा है, बाकी का जो लोकल आदमी है वो ही इनका वो कर रहा है देख रेख, बाकी इनका जो माल जला है गरीब आदमी है, ये कहाँ से पेट पूजा करेंगे अपना, कहाँ से क्या करेंगे? आसपास रहते हैं कहीं? इधर ही चोटपुर में, तो सुबह मेरे बच्चे आए थे यहाँ पे, कपड़े वपड़े दे के गए इन लोगों को, बाकी केला वेला भिजवा दिए थे, फिर मैं आया हूँ अभी, मेरे बच्चे घर पर नहीं पहुँचे हैं, तो मैं उनको ही देखने आया था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या परेशानी है, जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे। बिल्कुल, देखिए स्थिति कैसी बनी हुई है यहाँ पर, इन लोगों की साफ तौर पर यही शिकायत है कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, कोई कांग्रेस का कोई नेता आया था, सिर्फ इन्हें खाना बांट के चला गया। यहाँ पर जो बारात घर मौजूद है वहाँ पर कह दिया गया कि रहने की आपकी जो है व्यवस्था कर दी गई है, आप वहाँ पर रह लीजिए। लेकिन देखिए सवाल ये उठता है, सरकार 24 घंटे इस पूरी घटना को हो गए, सरकार की तरफ से अभी तक आश्वासन क्यों नहीं दिया गया इन्हें, क्यों कोई नहीं आया, इनके रहने सहने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि देखिए आसपास के लोग हैं वो भले ही इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो भी देखिए कब तक करेंगे। हर किसी का अपना घर होता है, हर किसी को अपने घर का जो है घर चलाना था, गुजारा करना होता है, वो अभी मदद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन बाद वो भी ना मदद करें, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि घर नहीं है इनके पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है। देखिए लगातार ग्राउंड जीरो से जो है हर एक तस्वीर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आप तक पहुंचाता रहा है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरामैन सरताज के साथ मैं पारुल त्यागी, नोएडा।